हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है माय चैनल माय फेरी टेरेस गार्डन में। आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही हार्डी प्लांट के बारे में है, जिसका नाम है टेक्सास सेज। इसका बॉटनिकल नेम जो है वो ल्यूकोफाइलम है। ये एक बहुत हार्डी प्लांट है जो बिगनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, जैसे जो गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको अभी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे प्लांट की केयर करनी है, वो इस प्लांट को बहुत अच्छे से आराम से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट जो है वो जनरली डेजर्ट एरिया का प्लांट है। इस प्लांट के अंदर क्या होता है कि इसकी जो रूट्स होती हैं वो सैंड को बाइंड कर लेती हैं, तो ये सॉइल इरोजन को भी रोक देता है। तो देखिए इसमें कितनी आपको दिख रही होंगी, यदि मैं आपको दिखा पाऊँ तो, यहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारी हनी बी भी हैं। कम से कम नहीं होंगी तो 8-10 हनी बी जो हैं इसके चारों तरफ घूम रही हैं। इसकी एक अच्छी खुशबू महक होती है। देखिए ये हनी बी चारों तरफ प्लांट में जो है घूम रही है, इधर से उधर फ्लावर्स के लिए। तो बहुत सारी हनी बी इसके चारों तरफ इस समय आज घूम रही है, कल तक तो नहीं थी लेकिन आज जो है इसमें फ्लावरिंग हुई है। चलिए हम बात करते हैं इस प्लांट से रिलेटेड कुछ खास पॉइंट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो एक साथ होती है, जैसे आपको दिख रहा है इस समय इसमें लीफ से ज़्यादा जो है वो फ्लावर्स हैं। अप्रॉक्स 100 के करीब जो हैं इसमें फ्लावर्स आ गए होंगे इस टाइम। इसमें फ्लावरिंग का टाइम फेब से स्टार्ट हो जाता है, फेबररी टू अक्टूबर इसमें फ्लावरिंग का टाइम होता है। और बंच में फ्लावर आते हैं, जैसे आपको दिख रहा है ये कितने सारे फ्लावर एक साथ आए हैं। ये एक फूलों का गुलदस्ता जैसा आपको दिख रहा होगा। देखिए मैं पूरा लुक इसको दिखाती हूँ आपको, देखिए। तो ये फूलों के गुलदस्ते के जैसा बन जाता है एक। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अभी फ्लावरिंग हो गई, फिर इसमें 15 डेज़ बाद 20 डेज़ बाद वापस से जो है वो फ्लावरिंग हो जाएगी, वापस से इसमें इतने ही फ्लावर दोबारा आ जाएंगे। तो फेब से अक्टूबर के बीच में बहुत बार जो है वो फ्लावरिंग ऐसे बंच में खूब सारी फ्लावरिंग करता है। इस प्लांट की सबसे ख़ास बात जो होती है कि ये एक वेदर फॉरकास्ट प्लांट है। इसके फ्लावरिंग से ही हम पता कर सकते हैं कि बारिश कब होनी है। जैसे आज देखिए, आज 12 जुलाई है, आज इसमें फ्लावरिंग हुई है भर के। डेफिनेटली 2-3 डेज़ के बाद तो रेन जो है बारिश तो आएगी ही आएगी, 100% है वो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसमें जब फ्लावरिंग हो उसके 2-4 दिन बाद बारिश होना पक्का है। तो अभी आज 12 जुलाई है तो मान के चलिए 15-16 को बारिश होनी पक्की है। ये एक वेदर फॉरकास्ट है, सारे वेदर को फॉरकास्ट फेल हो जाएंगे लेकिन ये फेल नहीं होता है, इसका इतना सटीक प्लांट का अंदाज़ा होता है। जैसे अब इसमें डोरमेंसी पीरियड आता है नवंबर से फेब के बीच में, उस टाइम आप इसकी थोड़ी प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग नहीं भी करेंगे तो ये बुशी प्लांट जो है, श्रब है, एक बुशी रहेगा प्लांट, तो प्रूनिंग नहीं भी करेंगे तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस प्लांट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसका डोरमेंसी है नवंबर टू दिसंबर फेब, तो मान लीजिए इसमें दिसंबर में भी कोई फ्लावर आ गया, 2-3 फ्लावर ही आए, 1 फ्लावर ही आया, तो 100% थोड़ी सी बारिश होगी, 2-4 बूंदें बरसेंगी, लेकिन बरसेंगी ज़रूर। इसका इतना अच्छा वेदर फॉरकास्ट रहता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रपोगेशन की। तो इसको हम सीड्स से भी लगा सकते हैं, जैसे अभी इसमें फ्लावरिंग हो रही है तो कुछ दिन बाद इसमें सीड्स प्रिपेयर हो जाएंगे, 4-5 डेज़ बाद, तो इनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और इनको जो है वो कटिंग से भी बहुत इजीली ये ग्रो हो जाता है, नोड एरिया से इसको कट करके और आप लगा दीजिए रेनी सीजन में, बहुत आराम से बहुत आसानी से ये जो है प्रोपोगेट हो जाएगा। तो आप मल्टीपल प्लांट जो है वो उसके बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सॉइल की। तो इसको जो है वो एल्केलाइन सॉइल पसंद है। एल्केलाइन सॉइल में आप जो है वो इसमें वो कंपोस्ट और वो नहीं दें, क्योंकि उससे सॉइल एसिडिक हो जाती है। इसको एसिडिक सॉइल पसंद है, तो एसिडिक सॉइल के लिए जो है आप इसको इसमें चूना डाल दें, जैसे जो शॉप पे मिलता है पान की दुकान पे, या मैं तो देखिए मैंने तो ये चॉक ले ली है कैल्शियम कार्बोनेट की, इसको या तो पाउडर करके डाल दीजिए या आप प्लांट में इसी तरीके से इसको मिट्टी में गाड़ दीजिए। तो मैंने तो इसको प्लांट में इसी तरीके से मिट्टी में गाड़ दिया और पानी इसमें जाता रहेगा। तो इसको एल्केलाइन सॉइल पसंद है, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है चॉक में, तो इससे इसको बेसिक मीडियम मिल जाएगा।
या फिर वो चूना जो मैंने आपको बताया पानी की दुकान पे मिल जाएगा, उसको वाटर में डिज़ोल्व करके और फिर जो है हम इसमें डाल सकते हैं। तो ये है इसका सॉइल मीडियम। अब हम वाटरिंग की बात करते हैं। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ये आराम से जो है वो आप 2-3 दिनों में पानी दीजिए। विंटर सीजन में तो 10 दिनों में एक बार पानी देंगे तब भी इसमें चलेगा। तो ये बहुत इजीली जो है ग्रो होने वाला प्लांट है। ये टेरेस गार्डन के लिए जो है बेस्ट प्लांट है। टेरेस गार्डनिंग जो लोग करते हैं तो, क्योंकि इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है। मान लीजिए आप कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए, आपके पास वाटरिंग का कोई वो नहीं है जरिया, तो ये प्लांट जो है वो नहीं मरेगा, ये आराम से जो है सर्वाइव कर जाता है। 4-5 दिन इसको पानी नहीं भी देंगे तो भी ये चलता रहेगा। ये डोरमेंसी पीरियड में भी अपनी सारी लीव्स नहीं गिराता है। 60-70% लीफ ही इसमें जो है वो गिरती हैं, बाकी लीफ इसमें जो है वो रहती हैं। तो ये आराम से पूरे साल भर चलने वाला प्लांट है। इसकी जो लीव्स का कलर होता है वो भी थोड़ा सिल्वरी सा ग्रीन होता है, देखिएगा सिल्वरी ग्रीन लीव्स होती हैं थोड़ी सी, बिल्कुल डार्क ग्रीन नहीं होती है। जैसे देखिए इन प्लांट की है, ये सिंदूर का प्लांट है, कितनी डार्क ग्रीन लीव्स हैं इसकी, ठीक है। ये 4 o'clock है, तो जैसे इनकी इतनी डार्क ग्रीन है, ये 4 o'clock प्लांट देखिए, तो इसकी थोड़ी सी सिल्वरी ग्रीन लीव्स रहती हैं और आराम से जो है ये किसी भी सीज़न में सर्वाइव कर जाता है। इसमें अब हम बात करते हैं इसके लाइटनिंग की। तो इसको फुल सनलाइट जो है बहुत पसंद है। मैं इसको फुल सनलाइट में रखती हूँ, ग्रीन शेड में नहीं रखती हूँ। ग्रीन शेडी प्लांट नहीं है ये, इसको जो है वो आप फुल सनलाइट में रखेंगे तो ये इसमें अच्छी ब्लूमिंग होगी, खूब फ्लावरिंग इसमें होगी। तो आपको यदि इसमें फ्लावरिंग चाहिए और अच्छे से ग्रो करे तो आप फुल सनलाइट में इसको रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस समय इसमें बहुत सारी जो हैं वो हनी भी हैं, मैं यदि आपको दिखा पाऊँ तो खूब सारी मधुमक्खियाँ घूम रही हैं इस समय। इसमें भीनी भीनी सी एक खुशबू है और 8-10 मधुमक्खी आज तो इसके चारों तरफ घूम रही हैं। तो ये इस प्लांट की पूरी इन्फॉर्मेशन थी। ये इसकी हाइट जो है वो आराम से जो है ये 5-6 फिट तक का प्लांट हो जाता है। इसको देखिए मैंने 12 इंची के पॉट में लगा रखा है, 5-6 फुट बढ़ जाता है। और यदि इसको आप सॉइल में लगा रहे हैं, ग्राउंड पे लगा रहे हैं, तो ये ज़्यादा बुशी बन जाएगा और इसकी हाइट थोड़ी और इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये एक श्रब प्लांट है जिसको आप अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर शामिल करिएगा। ये टेरेस गार्डनिंग वालों के लिए सबसे बेस्ट प्लांट, सारे प्लांट में यही होता है। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।